आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस ऑन डिविडेंड्स। टीडीएस ऑन डिविडेंड्स हमारे पास सेक्शन 194 के अंदर एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। तो एप्लीकेबिलिटी हम टीडीएस की देख लेते हैं अंडर सेक्शन 194। देखिए, जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होगा किसी भी डोमेस्टिक कंपनी का, उसे ये टीडीएस डिडक्ट करना होता है। किस अमाउंट पर ये टीडीएस डिडक्ट होगा? जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसको? रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को। अगर आप अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो भी कंपनी उस डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसका प्रिंसिपल ऑफिसर जो होगा उसे उस डिविडेंड के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। ये जो डिविडेंड के ऊपर टीडीएस लगेगा ये किस रेट से लगेगा? ये आपके पास 10% की रेट से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम फॉर टीडीएस, यानी किस टाइम पे आपको ये टैक्स डिडक्ट करना है। जब आप पेमेंट करेंगे डिविडेंड की, किसी भी मोड के थ्रू आप पेमेंट कीजिए, उस पेमेंट को देते के टाइम आपको उस टीडीएस को क्या करना है? डिडक्ट करना है। और ध्यान रखिएगा, वो टीडीएस किसको दिया गया हो? रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को दिया गया हो। नेक्स्ट, कुछ एक केसेस हमारे पास ऐसे हैं जहां पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता अंडर सेक्शन 194। देखिए, अगर आपने उस डिविडेंड को पे किया, सबसे पहली बात, आपने डिविडेंड पे किया इन एनी मोड अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी भी मोड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आप पे करते हैं डिविडेंड को, अदर देन कैश कोई भी मोड हो सकता है, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा प्लस में आपको एक और पॉइंट दिया गया है, यहाँ देखिए एंड, यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ? एंड। एक तो कैश के अलावा किसी और चीज़ में पेमेंट होनी चाहिए, प्लस जो एग्रीगेट अमाउंट आएगा, एग्रीगेट कंप्लीट ईयर के अंदर जो एग्रीगेट अमाउंट आएगा डिविडेंड का, वो क्या होना चाहिए? 5,000 से कम होना चाहिए। अगर वो 5,000 से ज़्यादा नहीं है, यानी 5,000 से कम है, और प्लस अदर देन कैश के मोड में आपने लिया है, तो वहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा एज पर सेक्शन 194। इसके अलावा कुछ एक लोगों पे और ये टीडीएस अप्लाई नहीं होता। कहाँ अप्लाई नहीं होता? अगर LIC, GIC, ठीक है, सब्सिडरी ऑफ GIC या अदर इंश्योरर प्रोवाइडेड द शेयर्स आर ओन्ड बाय देम और दे हैव फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर्स, अगर ऐसा कोई भी केस है तो क्या होगा? उस कंपनी के ऊपर डिविडेंड के जो टीडीएस है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर से मैं बता दूं, अगर डिविडेंड क्रेडिट किया गया है, पे किया गया है, किसको पे किया गया? या तो LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, या जो सब्सिडरीज हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, या कोई भी अदर इंश्योरर। कौन सा अदर इंश्योरर? जिसके पास जो शेयर्स हैं, दैट शेयर्स आर ओन्ड बाय देम और हैव फुल्ली बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर, अगर उनके पास बेनिफिशियली इंटरेस्ट है कंप्लीट उन शेयर्स के ऊपर, तो वहाँ उस केस के अंदर डिविडेंड डिडक्ट करना जरूरी, टीडीएस डिडक्ट करना डिविडेंड के ऊपर जरूरी नहीं है, ठीक है। या अदर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नोटिफाई कर दिया है, जो क्या है, नोटिफाई कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी अदर पर्सन को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो उस केस में डिविडेंड के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं होता। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के बटन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली बेसिस पे मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।